दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई महीने में, जुलाई 2024 में जियो या एयरटेल वीआई का जब से प्राइस हाइक हुआ है, तब से लेके आज तक अभी भी बहुत सारे यूजर्स इन तीनों कंपनी को छोड़कर बीएसएनएल पे शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइज्ड, एक शॉक्ड बात है कि ये जो तीनों प्राइवेट कंपनीज है, ये अभी भी बोल रहे हैं कि हमारे से जितने भी यूजर्स बीएसएनएल पे शिफ्ट हुआ है, वो सारे के सारे यूजर्स इन तीनों कंपनी पे फिर से वापस आ जाएगा। हाँ दोस्तों, जुलाई महीने की अगर मैं बात करता हूं तो जियो, एयरटेल, वीआई इन तीनों कंपनी से टोटल 29,70,000 यानी कि अप्रोक्स 30 लाख यूजर्स जो है बीएसएनएल के पास गया है। उसके बाद जुलाई, अगस्त महीने की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर भी ऑलमोस्ट 20 लाख जो यूजर्स हैं वो बीएसएनएल पे शिफ्ट हो चुका है। तो बीएसएनएल पे यूजर बेस बढ़ तो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। बीएसएनएल बढ़िया बढ़िया ऑफर भी लॉन्च कर रहा है और उसके साथ बीएसएनएल अपने आप को ग्रो करने में एकदम लगा हुआ है, बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। बीएसएनएल अपने 4G 5G के ऊपर काम कर रहा है, 4G एकदम धनाधन लॉन्च हो रहा है, 50,000 साइट्स इंस्टॉल हो चुका है, 41,000 टावर जो है उसको लाइव कर दिया गया है और उसके साथ ब्रॉडबैंड पे भी काम कर रहा है। बीएसएनएल बहुत सारे ऐसे चीज लॉन्च किया है जिसको प्राइवेट कंपनीज अभी तक लॉन्च नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो तीनों प्राइवेट कंपनीज है, ये अभी भी बोल रहा है कि ये दिसंबर आने तक नहीं तो दिसंबर के लास्ट तक जितने भी बीएसएनएल के यूजर्स है वो सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा कहने के पीछे उनका जो कॉन्फिडेंस है, ये कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा क्यों है? देखिए, हाँ ये भी मैं मानता हूं कि बीएसएनएल का यूजर्स जो है वो चीपेस्ट प्राइस के लिए ही आया है, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग बीएसएनएल को पसंद करते हैं, फिर भी मैक्सिमम लोगों की अगर मैं बात करता हूं तो बीएसएनएल का जो सस्ता का रिचार्ज है उसके लिए बीएसएनएल पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा आपको कि बीएसएनएल का नेटवर्क हर जगह पे ठीक ठाक नहीं है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करता हूं तो अभी ऑलमोस्ट 50% इंडिया के अंदर बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छा हो चुका है, ऑलमोस्ट यस, एकदम अच्छा, मतलब बढ़िया तरीके से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर 2G भी ढंग का काम नहीं करता है। लेकिन इससे अगर आप जियो एयरटेल वीआई को कंपेयर करते हैं तो जियो एयरटेल वीआई का भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर उनका नेटवर्क एकदम से नहीं चलता है। बीएसएनएल जहां पे सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू टावर्स इंस्टॉल कर रहा है, सैचुरेशन प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। इंडिया जो है एक ऐसा देश है जहां पर आपको सब कुछ मिलता है ना, पहाड़, समंदर, जंगल, सब कुछ मिलता है। तो यहां पर इसके बीच बीच में, समंदर के आसपास में, पहाड़ के नीचे ऊपर या जंगल के बीच बीच में छोटे छोटे गांव रहते हैं, 50-100 लोगों का एक छोटे छोटे गांव रहते हैं, 50 घर का एक गांव रहते हैं। तो वहां पर कोई भी प्राइवेट कंपनीज नेटवर्क प्रदान नहीं करते, वहां पर सिर्फ बीएसएनएल ही काम करते हैं। तो उससे अगर बीएसएनएल को कंपेयर करें तो ऐसा ही तो हो रहा है ना कि बीएसएनएल का नेटवर्क जो है कुछ कुछ जगह पे एकदम 2G नहीं काम करता है, तो वहां कुछ ऐसा जगह भी है जहां पर जियो एयरटेल वीआई काम नहीं करता है ना। तो ये जो चीज है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, और अगर आप एक बीएसएनएल यूजर है तो प्लीज बीएसएनएल पे शिफ्ट रहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, मैं आपको समझ रहा हूं आपकी बात, अगर आपको दिक्कत हो भी रहा है तो भी प्लीज दो महीने सिर्फ दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपके एरिया तक भी बीएसएनएल का 4G जो है आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्च महीने तक पूरा 1 लाख टावर जो है कंप्लीट होने वाला है, दिसंबर महीने तक आपका 60-70 हजार तक टावर जो है वो लग जाएगा, ठीक है। अभी 50,000 टावर लग चुका है, 41,000 टावर, 41,000 टावर जो है लाइव कर दिया गया है, ठीक है। तो दिसंबर महीने तक, इस साल के अंत तक 70,000 के आसपास टावर लग ही जाएगा है। तो आप प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो भी प्लीज एज ए सेकेंडरी सिम आप बीएसएनएल को यूज कर लीजिए, क्योंकि बीएसएनएल अगर मार्केट में नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी अपना मनमानी करते रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत हद तक प्राइस बढ़ जाएगा। अभी से ही बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी जो है 2026 के लास्ट, नहीं तो 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ही फिर से प्राइस हाइक करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, लोगों को थोड़ा बताइए बीएसएल के बारे में, बीएसएल लेने को थोड़ा बताइए, ठीक है। एज ए सेकेंडरी सिम यूज कर लीजिए, लेकिन बीएसएनएल को थोड़ा यूज कीजिए। मेरे घर में ऑलरेडी तीन सिम हो गया, मेरे पास तो 2 ऑलरेडी सिम है बीएसएनएल का, और मेरे पापा का जो वीआई का सिम था उसको भी मैंने बीएसएनएल पे शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप थोड़ा प्लीज
समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हर सुबह के 11 बजे मैं बीएसएनएल रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।